शहीद को सलामी देगी। शहीद सलाम सलाम। नीचे एक तकरीबन एक साल तीन महीने हम लोग बिल्कुल साथ रहे हैं। मेरे साथ रहा है लड़का। इसकी दलेरी में और बहादुरी में किसी किस्म का भी कोई शक नहीं था। हम जब मीटिंग में बैठते थे, एक डीएसपी कहता था कि ये मुझे दे दो मेरे सर्कल में, एक कहता था ये मुझे दे दो मेरे सर्कल में, एक कहता था ये मुझे दे दो मेरे सर्कल में। इन चार दिन पहले अब हमारी जब मीटिंग हुई तो ये छोटा लाहौर वाले जो डीएसपी साहब थे वो मुझे कह रहे थे कि इसको आप हमें दे दें यार हुसैन। मैंने उसे पूछा, मैंने उसको बोला कि टोपी वाले को हम कहते हैं। मैंने कहा मैं उससे पूछ लेता हूँ कि वो इसको रिलीव करता है कि नहीं। वो कहता है मैं इसको नहीं छोड़ता। इसने वहाँ पर हालात संभाले और इसने बाम खेल का इंचार्ज था ये मेरे साथ। और जिस दलेरी के साथ इसने काम किया, आप मुझे बताएं कि कौन इतनी दलेरी इतनी बहादुरी लेके आएगा, कौन ऐसी जगह पे चला जाएगा जहां पे अगर वो लग भी जाए तो उसको ढूंढने में हमें भी एक घंटा लगेगा रात के 2 बजे या 3 बजे। वो किस तरह इतनी उसमें दलेरी कहां से आएगी, इतनी बहादुरी उसमें कहां से आएगी उस लड़के में, इतना ये जवान लड़का। एक फिर मैं इसको आपको बताता हूँ, जब हम इसको अस्पताल लेके आ रहे थे, इसको हमने गाड़ी से उतारा, हमारे एक और कांस्टेबल भी लगा है इसके यासिर के साथ था। तो जब इसको गाड़ी से उतारा है तो उसको उतारा है साथ एक स्ट्रेचर पे, वो था वो भी आमिर भी शहीद हुआ है यासिर, ये दोनों साथ साथ स्ट्रेचर थे। एक स्ट्रेचर पे 3 डॉक्टर, एक स्ट्रेचर पे 2 डॉक्टर। तो ये उस टाइम कह रहा था, मैं खुद पहले मैं स्पॉट पे गया हुआ था, क्राइम सीन पे गया हुआ था उधर टोपी में, फिर वहां से मैं आया। तो ये उसको कह रहा था कि इसको कांस्टेबल को पहले देखो, मुझे छोड़ो। मतलब उस टाइम हमें वो ये कह रहा था, उस डॉक्टर को कह रहा था मुझे छोड़ो, उसको देखो, कांस्टेबल को देखो, बार बार उसका नाम ले रहा था। फिर इसने हमें बोला कि मेरी माँ को नहीं बताना है, वो बीपी की पेशेंट, ये जो ब्लड प्रेशर कि वो उसकी पेशेंट है। तो इसमें यही है कि ये इसका एक भाई है, ये आर्मी से, ये भी मैंने अभी मुझे बता रहा है, मैंने इसको देखा, इसकी सारी साइड लगी हुई है आर्मी के साथ ऑपरेशन में। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मिट्टी इतने दलेर इतने बहादुर लड़के और कोई बाप का इतना हौसला, एक को आर्मी में भेजा हुआ, एक को पुलिस में भेजा, बड़ी इसके लिए जिस तरह ये अपने जवान बेटों को जवान लड़कों को या गोलियों के सामने भेज देते हैं, माँ बाप का भी बड़ा हौसला है। और ये सिर्फ यही मिट्टी पैदा कर सकती है, सिर्फ इसी मिट्टी का ये खमीर है कि ये इतने ये दलेर लड़के और ये इस तरह की फोर्स पैदा हो सकती है। वो लड़का हमारे लड़के वहां पे शहीद हो गए, उसमें कसम खुदा की 1% भी उसका अपना कोई काम नहीं था उसमें, उस जगह के ऊपर। ये उसका गांव है और वो किधर टोपी और ये हमारा दूसरा एंड है हमारा, ये इसका स्वाबी का। तो आप सब लोगों को, आप पूरे गांव को, इसके वालिद को, इसके भाइयों को, इसकी 5 बच्चियां बेटियां छोटी छोटी तो मसूम है, शायद उनको भी समझ भी ना हो कि किधर है उनका बाप। तो आप सब लोगों ने इनका सहारा भी बनना है, इनके इनके लिए आप लोगों ने खड़े भी होना है, इन सब का, पूरी फैमिली का, इन भाइयों का, उसकी बच्चियों का, उसके बाप का, इन सब का हमारे पे कर्ज है पूरी उम्र, जब तक हम लोग सांस ले रहे हैं इस पूरे घर का हम पे कर्ज है। हम
पता नहीं कैसे उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते उसको, ना उसकी औलाद उसको वापस कर सकते हैं, ना उसको वापस ला के दे सकते हैं। बस मैं आप सब लोगों का फिर मैं जाता हूँ, मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का लड़का हमें, इतना दलेर लड़का आप लोगों ने हमें दिया हुआ था, किसी चीज से नहीं डरता था। मेरा यकीन करें, इसको आप जो टारगेट दे दें, आप इसको जो चीज में इसको कह दूं, मैंने बड़ी बात होती है, एक एक साल तीन महीने हार्ड से सख्त टारगेट इसको दे दें, हार्ड से हार्ड क्रिमिनल इसको मैं कह दूं कि यार ये बंदा मुझे चाहिए, कि यार ये बंदा युजरत है या ये है ये, इसने कभी ये ऐसे मजाल है कि इसकी इसकी इसके इधर बल आया हो, या इसने दूसरी बात सोची हो इस लड़के ने कभी, या इसने कभी अब वो पीछे हटा हो, नहीं। आप सब लोगों की ग्रूमिंग का, इस गांव की, उसके वालदैन की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा था। हमारा 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 तो जवान है और शहीद हुआ है, हम सबको, पूरी पुलिस को, पूरी स्वाबी पुलिस को, आप मेरा यकीन करें कि हम लोग नहीं आपको बता सकते कि आप हम लोग किस अजियत से हम सब लोग सुबह गुजरे, ये पूरा किस तरह गुजरेंगे, या ये क्या कर रहे हैं। और इसके बगैर देखें ये बड़ा मुश्किल होता है, चौकी को इसकी आदत है, जिस चौकी में ये रहा है, जगहों पे रहा है, जिन जिन जगहों पे रहा है, जिन द्वारों को इसकी आदत है, हम उनको उसका ये लड़का तो वापस नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि आज आप लोगों की वजह से, इसकी वजह से हम सबका सर बहुत फख्र से बुलंद है, आप मेरा यकीन करें। मैं आपको समझा नहीं सकता कि हम किस तरह सीना चौड़ा करके यहाँ पे हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, पुलिस वाले। अब बिल्कुल हम लोगों को शर्मिंदगी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। जिसने जिसने हरकत की वो अपने पहुंचा है, अपने जो उसका अंजाम था उसको वो पहुंचा है। लेकिन ये है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी सब्र दे, वो जन्नत नसीब करे इसको, ये हम सब की बख्शिश का जरिया है। ये आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।